गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस द बैक एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 2, टीथ एंड माइक्रोब्स. हियर आर द करेक्ट आंसर्स. टिक द करेक्ट आंसर. द फर्स्ट सेट ऑफ टीथ इन अवर माउथ आर कॉल्ड डैश टीथ. परमानेंट होते हैं, टेम्परेरी कौन से होते हैं? टेम्परेरी, जो फर्स्ट सेट होता है हमारे टीथ का. डैश, एनामल और डेंटाइन इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन अवर बॉडी. सबसे हार्ड सब्सटेंस कौन सा है हमारी बॉडी में? एनामल. There are dash molar teeth in our mouth. 6 to 12. We use incisor canines to tear a piece of meat. क्या use करते हैं हम? Canines. The dash lies inside the gum. गम के अंदर क्या होते हैं? Crown या root? क्या आएगा आंसर? Root. Next flow chart है हमारा. Permanent teeth के types होते हैं incisor, canines, premolar and molar. Incisor का क्या function है? Biting teeth बोलते हैं इनको. ये क्या है? बाइट करने में काम आते हैं, फूड को बाइट करने में. कितने होते हैं? 8. 4 इन द अपर जॉ, 4 इन द लोअर जॉ. कैनिन्स टीयरिंग टीथ होते हैं, टीयर करने के लिए फूड को काम आते हैं. 2 इन द अपर जॉ, 2 इन द लोअर जॉ. प्रीमोलर क्रैकिंग टीथ, क्रैक करने के लिए, तोड़ने के लिए, ब्रेक करने के लिए यूज होते हैं. 4 इन द अपर जॉ, 4 इन द लोअर जॉ. टोटल 8. मोलर क्या होते हैं? ग्राइंडिंग टीथ, ग्राइंड करते हैं फूड को. That are 12, 6 in the upper jaw, 6 in the lower jaw. Next है हमारे MCQ. Milk teeth begin to fall at dash years of age. Milk teeth कब गिरना start हो जाते हैं? 6 year की age में. The part of tooth that protect it is the dash. जो हमारे teeth क्या करता है? Tooth को protect करता है. सबसे hard substance होता है, that is enamel. The microbe that cause disease like polio, smallpox and common cold are dash. क्या होते हैं वो? वायरस, जो डिजीज कॉज करते हैं, जैसे पोलियो, स्मॉल पॉक्स, कॉमन कोल्ड. टीथ यूज्ड इन टीयरिंग फूड कौन से यूज होते हैं? इंसीजर. इंसीजर कितने होते हैं टोटल नंबर में? 8. ट्रू फॉल्स हैं. मोलर हेल्प अस टू बाइट फूड. मोलर क्या है? फूड को बाइट करने में हेल्प करते हैं. नो. किसके काम आते हैं? ग्राइंडिंग के. दैट इज फॉल्स. मलेरिया इज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ. मलेरिया को कौन कॉज करता है? प्रोटोजोआ. दैट इज ट्रू. बैक्टीरिया आर ऑलवेज हार्मफुल. बैक्टीरिया हर टाइम हमारे लिए क्या है? हार्मफुल नहीं होते हैं. ऑलवेज का मतलब हमेशा. कुछ बैक्टीरिया हमारे लिए क्या है? बेनिफिशियल भी हैं. सो इट इज फॉल्स. प्लैक इज अ स्टिकी फिल्म ऑन द टूथ. प्लैक जो येलो कलर की लेयर आ जाती है टूथ पर, उसको बोलते हैं. दैट इज ट्रू. अ डेंटल फ्लॉस इज यूज टू क्लीन द टंग. टंग को क्लीन करने के लिए कहते हैं हम डेंटल फ्लॉस यूज करते हैं. दैट इज फॉल्स. डेंटल फ्लॉस क्या होती है? एक पतली वायर होती है, बिल्कुल थिन, वो डॉक्टर्स ही यूज करते हैं. नेक्स्ट है वन वर्ड आंसर. एंड इंस्ट्रूमेंट यूज टू सी माइक्रोब्स. माइक्रोब्स क्या है? बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं, तो उनको कौन से इंस्ट्रूमेंट के साथ हम देख सकते हैं? माइक्रोस्कोप. लेयर ऑफ द टूथ दैट हैज नर्व्स एंड ब्लड वेसल. जो नर्व्स या ब्लड वेसल होती है हमारे टूथ में, वो कौन सी लेयर में होती है? पल्प में. ये हमने टीथ के स्ट्रक्चर में किया था. अ माइक्रोब यूज टू मेक ब्रेड एंड केक. ब्रेड केक बनाने के लिए हम कुछ माइक्रोब्स, जो बैक्टीरिया हमारे लिए बेनिफिशियल है, वो यूज करते हैं. दैट इज फंजाई. डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स को क्या बोलते हैं हम? जर्म्स. होल इन द टूथ कॉज्ड बाय बैक्टीरिया. जो छोटे छोटे होल्स हो जाते हैं हमारे टूथ में, उसे हम क्या बोलते हैं? कैविटी. नेक्स्ट है हमारे पास, हमें क्या है? इस मेज में से 7 डिजीज फाइंड आउट करनी है, जैसे मैंने ये फाइंड आउट की हुई है. तो ये क्या है? कॉलरा. नेक्स्ट है पोलियो, फ्लू, मलेरिया, निमोनिया, दिस इज रिंगवॉर्म एंड डायनस्ट्री. दिस इज ऑल अबाउट टूडे एंड योर टूडेज होमवर्क इज यू विल लर्न ऑल दिस बैक एक्सरसाइज एंड ट्राई टू डू इट बाई योर सेल्फ. थैंक यू.